एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुकबुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग बेंटो बॉक्स केक्स, और वो भी दो फ्लेवर में। एक हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल शिमर केक और दूसरा बनाएंगे चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक। तो चलिए आइए बनाते हैं हम आज की ट्रेंडिंग रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच के 2 राउंड मोल्ड लिए हैं। आप 1 मोल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 फ्लेवर्स बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 मोल्ड लिए हैं। हम इसे रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के साइड में रख देंगे रेडी करके। ये बेंटो बॉक्स केक्स बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही क्यूट मिनी केक्स हैं जो कि स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये हमारे 10 रेडी हो गए हैं, हम इसे साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध, उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनेगर। इसे हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रेस्ट देंगे। और अब यहाँ मैंने ली है 3/4 कप पाउडर्ड शुगर और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। हम इसे हैंड व्हिस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और फिर हम इसमें अपना जो मिल्क मिक्सचर है उसे ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। और बस अब हम छान लेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और बस अब हम अपने स्पैचुला से इसे बस कंबाइन कर लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से इसे कंबाइन कर लें। बहुत ही हल्का हाथ से हमें इसे कंबाइन करना है। ये देखिए हमारा स्मूथ बैटर रेडी है। अब फटाफट से हम इसे अपने मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। और हम इसे प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, या फिर आप इसे प्री हीटेड कढ़ाई में 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लें और बेकिंग से पहले थोड़ा सा टैप कर लें। ये देखिए हमारे बेंटो बॉक्स केक्स रेडी हैं। एक बार इसे ज़रूर चेक कर लें आप, और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर, एकदम सॉफ्ट स्पंजी, छोटे प्यारे क्यूट लिटिल केक्स हमारे रेडी हैं। अब हम करेंगे इसकी आइसिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे अपना एक केक और उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे पहले कट कर लेना है। और यहाँ मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 50 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड करके उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। तो हमारी चॉकलेट ट्रफल रेडी है। तो अब मैं सबसे पहले अब सोकिंग सिरप से, जो कि मैंने 1 कप पानी में 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर मिक्स कर ली थी, उससे हम अपनी जो स्पंज है उसे सोक कर लेंगे और कुछ 1 से 2 टेबलस्पून चॉकलेट ट्रफल ऐड कर लेंगे। अच्छे से उसे स्प्रेड कर लें। और बस अब हम इसे यूं सेट करके इसे भी अच्छे से सोक कर लेंगे। और 1 से 2 टेबलस्पून चॉकलेट ट्रफल से इसे क्रम कोट कर लें, यानी कि इसे हल्की कोटिंग कर लें। साइड से भी इसे थोड़ा थोड़ा कवर कर लें। और इस क्रम कोटिंग के बाद हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि चॉकलेट ट्रफल थोड़ी सेट हो जाए। तो उसी बीच में आपको दिखाती हूँ ये बेंटो बॉक्सेस। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं। तो हम इसके साइज़ का बटर पेपर कट करके साइड में तैयार कर लेंगे। और यहाँ मेरा केक एकदम ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना चॉकलेट ट्रफल। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गोल्डन शिमर। आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है ये शिमर केक,
तो मैं बिना पंप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपको मैं शिमर केक बनाना बता रही हूँ। बस आप इसे चॉकलेट ट्रफल में थोड़ा सा ऐड कर लें और यू स्प्रेड कर लें और बस हमारा बहुत ही सुंदर दिखने वाला एकदम सिंपल तरीके से शिमर चॉकलेट केक रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। हम इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेंगे और बस हमारा बेंटो बॉक्स शिमर केक रेडी है। और अब मैं दूसरा केक आइसिंग करूंगी। ये हम बनाएंगे चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक। तो मैंने ले ली है यहाँ पर 1 कप व्हिप्ड क्रीम और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पिंक कलर। और हम फिर से अपना एक केक लेंगे जिसे मैंने फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, उसे मैंने सोप भी कर लिया है और थोड़ी सी क्रीम हम इस पर यूँ इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश, कुछ 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी यूँ फैला लें। और बस अपना दूसरा केक का पार्ट इस पर रख के इसे भी हम सोक कर लेंगे और पूरे केक को हम अच्छे से व्हिपिंग क्रीम से कोट कर लेंगे। जितना हो सके इसे क्लीन कर लें और कुछ ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे देंगे बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट। ये देखिए यूँ बस पैलेट नाइफ से हम इसे एक टेक्सचर इफ़ेक्ट दे रहे हैं। किसी भी तरीके का आप इस पर टेक्सचर इफ़ेक्ट दे सकते हैं और इसे हम डेकोरेट कर लेंगे कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स के साथ। तो बस हमारा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक भी रेडी है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे दोनों बेंटो बॉक्स केक्स रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, गुड बाय।